हेलो एवरी वन वेलकम टू दफिशियल चैनल ऑफ आरसू कक्कर वे वी यूज़ टू कवर दी इम्पॉर्टेंट टेन क्वेश्चन विद दैट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर शुरू करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे क्या कुछ दस सवाल हैं आपके सामने और उसके रिगार्डिंग कंप्लीट उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको मिलेगी आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते सिंपली चलते हैं आज के सेशन के ऊपर और डालते हैं नज़र आज के पहले सवाल पे तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट्स हैं और बस आंसर देना है आपको पढ़ो और जवाब दो सिंपल सा सवाल है सिंपल सी दो स्टेटमेंट्स हैं आइए पढ़ते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पहली बात तो हमने ये देख लिया करेक्ट पूछा है फिर उन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट राइट दो स्टेटमेंट्स हैं पहली है कि इट इज़ बीइंग सेट अप अंडर द शिपिंग मिनिस्ट्रीज सागरमाला प्रोग्राम और ये इस्टेब्लिश हुआ है इन आई चेन्नई दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हैं नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट बेसिकली इट इज इनोग्रेटेड इट विल बी इनोग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एट आईआईटी चेन्नई सागरमाला प्रोग्राम सागरमाला प्रोग्राम के बारे में सबको पता ही होगा एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पोर्ट लेट डेवलपमेंट की बात करता है जो कि प्रमोट करता है पोर्ट लेड डेवलपमेंट है ना और ये जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर ये बेसिकली लाया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर आईआईटी के अंदर इट इज़ बीइंग इस्टेब्लिश्ड आईआईटी डिस्कवरी कैंपस एट चेन्नई तमिलनाडु में कोस्ट पे क्या है सेवेंटी करोड़ की कोस्ट है यहाँ पर अब मैं रही बात इस पर्टिकुलर सेंटर की तो इस सेंटर का रोल क्या रहेगा वो जान लीजिए ये जो सेंटर है ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करेगी विद द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ताकि आप पोर्ट्स को जैसे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको अदर इंस्टीट्यूशंस को हेल्प कर सको विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्नोलॉजी स्किल्ड पर्सनस uh, होंगे तो यहाँ पर दे विल बी यूजिंग दी एडवांस टेक्नोलॉजी टू टू स्टडी टू एडवाइज दी पोर्ट कोस्टल एंड वाटर वे सेक्टर क्या चैलेंजेस हैं क्या उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी ड्रीविन राइट तो रिसर्च एंड कंसल्टेंसी नेचर होगा वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज फॉर मतलब इस इट हैज़ दैट वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग टू डी थ्री डी इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी नेचर तो ऑबियसली तो यहाँ पर जो भी चैलेंजेस जो हैं जो फेस किए जा रहे हैं बाय पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर उन चैलेंजेस के सोल्यूशंस देंगे बाय दी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज राइट सो ये है एजेंडा शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है सागरमाला प्रोग्राम ये आपको पता ही है ये देख लो और पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करता है लॉजिस्टिक कोस को रिड्यूस करने का विजन है फाइव पिलर्स में कैटेगराइज है ये स्कीम पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन पोर्ट कनेक्टिविटी पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है ये तो था सागर माला प्रोग्राम फिर एक और अभी न्यूज़ में आया है उड़ान अभी न्यूज़ में क्या आया है इसका फिफ्थ फेज़ आया है तो इससे पहले इसके चार फेज मतलब हो चुके होंगे तो मतलब हमें चारों के चारों पता होने चाहिए हम पता कर लेंगे तो पहले हम जानेंगे उड़ान फाइव पॉइंट के बारे में आपके पास हैं दो स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा है पहले वो कह रहे हैं कि द अर्लियर स्टेज लेंथ कैप इज़ वेव्ड ऑफ अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है देर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट ये राउंड जो है ये कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री पे फोकस करता है हमने कहा हम आपके साथ हैं दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हैं और ये जो स्कीम है ये जो फिफ्थ फेज है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है उड़ान क्या कहता है उड़े देश का आम नागरिक और वो वो उड़ना बेसिकली क्या है एयरपोर्ट जो है अनसर्व्ड एरियाज अंडरसर्वड एरियाज में कनेक्टिविटी हो ये एजेंडा है राइट right? तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये फोकस करती है कि जो एयरलाइंस हैं यहाँ कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री की बात कर रही हूँ कि जो एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं स्मॉल प्लेन्स ट्वेंटी टे ट्वेंटी से एट्टी सीट्स में वो आती हैं कैटेगरी टू में और कैटेगरी थ्री में जिसमें एटी सीट से ज़्यादा हैं तो उनको सपोर्ट करना फाइनेंशियल सपोर्ट देना वायबिलिटी गैप फंडिंग लिखा हुआ है ना मतलब जो आपकी कोस्ट आती है ऑपरेशन कोस्ट आती है और एक तरफ जो आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो फ्रॉम चार्जिंग द टिकट्स तो उसके बीच का जो गैप है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट दे देगी आपको राइट right? ये है और यहाँ पर पहले क्या था uh, अब यहाँ इस स्कीम इस फेज इस राउंड के बाद से स्कीम हैज सम चेंजेस नाउ कोई भी लिमिट नहीं होगी ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट

बेसिकली उड़ान स्कीम क्या है उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई है और यहाँ पर यह स्कीम क्या करती है ये स्कीम क्या कहती है ये स्कीम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आप मुझे ये बताओगे ये जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ इट इज़ ऑफ ट्वेंटी सिक्सटीन ये जरा इस पर रोशनी डाल देना और रही बात जो फेजेस हैं इसके इन स्कीम का पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए उससे टूरिज़्म एक्सपेंशन होगा ट्रेड बढ़ेगा एविएशन सेक्टर से, से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी राइट एनेबलिंग द कॉमन पीपल टू तो एक्सेस दैट एयर ट्रेवल ये ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर चार जो फेज़ है ना फेज़ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर पहला फेज़ आया ट्वेंटी सेवनटीन में दूसरा आया 2018 में तीसरा आया 2018 नवंबर के आसपास और फोर्थ फेज़ आया था 2019 नवंबर के आसपास ठीक है पहला फेज़ कहता था कि अंडर सर्वड और अनसर्वड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करो हमने कहा ठीक है फिर दूसरा फेज़ कहता है कि एयर कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करो टू दी रिमोट और इनएक्सेसिबल पार्ट हमने कहा ठीक है तो थर्ड फेज़ कहता है देखो ये ना सिर्फ आपको याद कराने के तरीके हैं ताकि आप आसानी से वो हंसते खेलते सेशन हो जाए थर्ड फेज़ कहता है कि एयर कनेक्टिविटी हिली और रिमोट रीजन पे ले जाओ हमने कहा ठीक है और फोर्थ फेज कहता है आईलैंड कनेक्ट करो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करो तो ये पूरा फोर फेज है अब फिफ्थ फेज की बात हो रही है जो इसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है एन एच ए आई इज टू डेवलप कितने किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल अक्रॉस इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर दो चीजें बतानी है सो एन एच ए आई इज बेसिकली दाईवे अथॉरिटी इज टू डेवलप टेन थाउजेंड किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स अक्रॉस इंडिया बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तो मुझे ये ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है इसीलिए मैं जा रही हूँ ऑप्शन सी के साथ तो आप भी यहीं चलो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि कुछ नहीं पता चलता तो आप गूगल करके आंसर करते हो बहुत बढ़िया है इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई चार चीज़ें और देखने को मिलती हैं और मतलब आई वुड से कमेंडेबल ऐसा नहीं आता है ज़रूर गूगल करो जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में जान लो ये विकीपीडिया से आपको दो लाइनें मिलेंगी और जो पता चलेगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना ठीक है वैसे मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में ना एक सवाल पहले ही ले चुकी हूँ इन्हीं एम के चलते क्योंकि हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बार बार न्यूज़ में आ रही है आप नहीं अगर ये सेशंस कॉन्टीन्यूस देखें तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी आप खुद से देखोगे वैसे मैं आपके साथ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ फिर एक कंपाइलेशन वीडियो भी लाऊंगी ठीक है कमेंट सेक्शन में फिर भी बताना कमेंट सेक्शन में बताओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने किया है और दूसरी बात कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं ये प्रिपरेशन आपके काम आ रही है लर्निंग मिल रही है तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना कि वट इज़ योर फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू दीज सेशन्स और वो लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब वाला जो तीन स्टेप्स करने होते हैं ना वो नहीं भूलना है कर देना याद से अब यहाँ पर रही बात इस ऑप्टिकल ये फाइबर केबल्स की तो इट हैज़ अनाउंस अथॉरिटी का प्लान है टू अनाउंस मतलब दे हैव अनाउंस द प्लान टू डेवलप जस्ट अ सेकेंड हाँ इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ अराउंड टेन थाउजेंड किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अक्रॉस द इंडिया बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव पूछा जाएगा कि ये प्रोजेक्ट इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाई एनएचए स्पेशल पर्प व्हीकल दैट इज नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ठीक है तो याद कर लेना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए केरला हाँ केरला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है तो केरला के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये आ, लाया है इनिशिएटिव केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताना एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट जिसका एम है स्पोर्ट कल्चर को वापस से लेकर आना बाय बाय बायलिशिंग लाइक हाई क्वालिटी प्ले इन एवरी पंचायत ठीक है वर्ड बुक और कॉपी डे ट्वेंटी कब ऑब्जर्व किया जाता है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल को होता है वर्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और बाकी दो दिन और एक तो है वर्ड इम्यूनाइजेशन वीक ट्वेंटी फोर्थ से थर्टियथ ऑफ अप्रैल होता है ये भी याद में रख लेना और इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2023 ये होता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल को तो यहाँ पर तीन इन्फॉर्मेशन मैंने एक दे दी है ठीक है टाइम वेस्ट नहीं होता देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि थर्टीन टेन टू थर्टीन मिनट्स में दस सवाल कर लेना मीन्स आपने दस टॉपिक कवर कर ली हैं और वो भी एक क्रिस्प और कंप्लीट तरीके से जहां से अब कहीं भी सवाल आए आप पूछ सकते हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं राइट right? तो ये ही एजेंडा है इस सेशन का इधर उधर की बातों नहीं बस सीधा मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर आपका सेशन डन हो जाए और आप हर एक चीज़ कवर कर लो क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है <laughs> है ना सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है तो ये सेशन आई होप आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हो इसीलिए कह रही थी कि फीडबैक दे देना अगर आप कहोगे तो मैं ये सेशन आ, दूसरी सीरीज भी आ जाएगी या फिर ये सेशन विल टेक टू लाइक अगर आप इसके मतलब मुझे आइडियली वैसे लगता है कि 10 से 13 मिनट ठीक रहता है आपका कोई अगर सजेशन हो तो ज़रूर बताना और रही बात इसके टाइमिंग्स की तो अभी येस ये, ये सेशंस लाइक मॉर्निंग में आने चाहिए बट अभी इवनिंग में आ रहे हैं बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और आई थिंक इवनिंग में भी अभी चीज़ें सही चल रही हैं धीरे धीरे जब इसको मॉर्निंग में लूँगी तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगी अभी तो जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चल चलेंगी फार ठीक है बाकी हु टू कोवर एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उनका नाम है राजेश कुमार सिंह ऑप्शन बी और ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है कोलेशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मेराइन लिटर सी सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट मैं सीधा आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीधा आंसर ही याद में रखना है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ये लॉन्च किया है इतना कचरा जो हम कर रहे हैं ना ये बहुत दिक्कत देने वाला है मेराइन सिस्टम को इको सिस्टम को मेराइन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सी ने लॉन्च किया ये कॉयलेशन ऑफ कोस्टल सिटीज़ टू फाइट अगेंस्ट दिस पॉल्यूशन द कोलेशन फोकस करेगा ऑन टैकलिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना लैंड बेस्ड मिस मैनेजमेंट है जिसके चलते लैंड से सी की तरफ ये जो कचरा है पहुंच रहा है और जिससे पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है तो यहाँ पर देखोगे तो 90% परसेंट ऑफ द वेस्ट जो है प्लास्टिक uh, पॉल्यूशन जो है दैट अकाउंट्स फॉर दिस 90% एंड इंडिया 460 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है नियरली और 8 मिलियन टन इज़ लीग्ड इनटू टू दी मेराइन इको अच्छी बात नहीं है ये और यहाँ पर फिर एम्फेसाइज़ किया गया है कि ऐसी पॉलिसीज लाओ जिसमें एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो और दूसरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दो मतलब अगर आपने प्रोडक्शन करी है तो आपको ये भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कचरा यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए है ना तो ऐसा कुछ ताकि यू कैन मैनेज दी प्लास्टिक वेस्ट बेसिकली ये पर्पज है ठीक है हकी पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी अभी न्यूज़ में है एंड इट इज़ फ्रॉम कर्नाटका ऑप्शन बी यहाँ पर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अभी सूडान के अंदर वॉयलेंस हिट हुआ आ, दे दिस कम्युनिटी वॉज स्टक देयर ठीक है तो ये एक सेमी नोमेडिक ट्राइब है और ये बर्ड कैचिंग और हंटिंग दे आर ट्रेडिशनली एंगेज इन फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं वैसे तो गुजरात और राजस्थान से ओरिजिनली थे फिर माइग्रेट कर गए साउथ इंडिया की तरफ और कहा जाता है कि देयर एंसेस्ट्रल रिलेशन इज विद द लेजेंडरी राणा प्रताप सिंह चार क्लांस में डिवाइडेड है ये ट्राइब गुजरातिया पनवार कलीवाला मेवाड़ तो ये चार क्लान्स के अंदर एंड कैन बी इक्वेटेड विद द कास्ट जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में हिंदू फेस्टिवल ही ये फॉलो फौ, फौ, करते हैं और यहाँ पर मेट्रियारकल सोसाइटी है पेट्रियारिकल नहीं मेट्रियारिकल सोसाइटी जैसे एक तो दहेज बिल्कुल नहीं देना चाहिए गलत है लेकिन जब आ, क्या होता है ना शादी के टाइम पर जो बॉयज साइड है वो दहेज लेती है फ्रॉम द गर्ल साइड है ना तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता यहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं यहाँ पर ग्रूम जो हैं वो डोरी देते हैं टू द ब्राइड्स ये चलता है और ये मोनोगेमी में ही बिलीव करते हैं मतलब मोनोगेमी यहाँ प्रैक्टिस करी जाती है और मेट्रियारिकल सोसाइटी है इनकी हाँ सवाल ना एक चलो ये सवाल से पहले कुछ एक आपसे पूछना है जी हाँ सूडान आ गया है अब और सूडान काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है और जब तक मैप नहीं खोलोगे तब तक चीज़ें मतलब मज़ा नहीं आएगा तो इसीलिए आज आपका होमवर्क ये है कि मैप में सूडान जो है वो ज़रूर देखोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मैप देखा है या नहीं सवाल दे रही हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सुडान से पास करता है या नहीं रेड सी सुडान जो है क्या रेड सी को ओपन होता है या सुडान मेडिटेरेनियन सी को ओपन होता है ये क्वेश्चन लगेंगे दो तीन क्वेश्चन दे दिए आप बस मैप देखोगे सारे क्वेश्चन आपके आंखों के सामने होंगे सुडान क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है क्या बॉर्डर कंट्रीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के बारे में भी मैंने बात करी हुई है तो कहने का मतलब है भैया मैप देखो मैप देखोगे तो समझ आएंगी ये बातें कि किधर रेड सी तो किधर मेडिटेरेनियन सी कहाँ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है ना नहीं तो फिर मैप नहीं देखा तो फिर वो एग्ज़ाम में यही होगा कहाँ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर वो वाली सिचुएशन नहीं आए इसीलिए आज सुडान मैप में देख लेना रही बात अगले सवाल की तो ये कह रहा है एक मिशन है फिफ्टी के ई फॉर एको ऐसा नाम है पहले तो ये लगेगा पूछेंगे किस चीज़ का मिशन है वो भी बताएंगे ईवी से रिलेटेड ये मिशन है इसको लॉन्च किया गया है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन आंसर इज सिडबी ऑप्शन ए राइट तो यहां पर सिडबी ने ये लॉन्च किया है एक न्यू स्कीम एक इनिशिएटिव जिसका पर्पस क्या है ये जान लेते हैं इसका एजेंडा है कि जो आपका मिशन है ना जैसे फिफ्टी के फिफ्टी के मतलब 50,000 तो 50,000 जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं तो उनको परचेज करने में यहाँ पर लोन दिया जाए असिस्टेंस करी जाए तो सिड भी क्या करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेंडिंग सपोर्ट किसको जैसे एम एस एम ईस एन बी एफ सीज तो वहाँ से इट विल बी एलिजिबल फॉर दी परचेजिंग ऑफ ई वीज डेवलपिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर राइट तो सिड भी एम है सिड भी का एम है टू इंक्रीज द अपटेक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स जैसे फेम टू स्कीम चल रही है जो 2024 में मार्च में खत्म हो जाएगी तो ये एक ऐसा एक अच्छा स्टेप है जहाँ पर आप डिमांड साइड को सपोर्ट कर रहे हो ऑफ दी ई वी एडोपन ये है आपका लास्ट का सवाल आज का ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है यू इंटरपोल डब्ल्यू एम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 192 मेंबर स्टेट्स हैं इंडिया बिल्कुल मेंबर है डब्ल्यू का और डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वाटर कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है या नहीं ये आप कमेंट सेक्शन में बताना सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ टिल देन टेक केयर एवरीवन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन हैप्पी लर्निंग